नमस्कार द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। पिछली बार हम आपको लेकर चले थे श्रीनाथ के शहर नाथद्वारा और वहां की विधानसभा सीट की कांटे की टक्कर के बारे में तमाम जानकारी आपको दी थी। अब बात करेंगे मिठास के शहर के बारे में। यहां का मिल्क केक खाकर जीवन में मिश्री सी मिठास घुल जाती है, लेकिन अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बस कड़वाहट ही नजर आती है। आप समझ गए होंगे कि हम किस सीट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलवर ग्रामीण सीट की। ये वो सीट है जहाँ की टक्कर न सिर्फ राजस्थान के लिए दिलचस्प बनी हुई है, साथ ही दिग्गज नेताओं की नजरें भी सीट की जीत हार पर टिकी हुई है। अलवर ग्रामीण सीट से खड़े दो प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के बारे में बात करते हैं तो बस उनके बयान से जो कड़वाहट सामने आती है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस ने टीकाराम जूली को फिर से मैदान में उतारा है, जो मौजूदा सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और वहां बीजेपी ने जयराम जाटव पर अपना दांव फिर से खेला है। सबसे पहले बात करते हैं यहां के जातिगत समीकरण के बारे में। तो अलवर ग्रामीण विधानसभा एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। अलवर ग्रामीण में कुल मतदाता 2,56,000 के करीब है। यहां एससी वोटर्स की संख्या 56,350 के करीब है। 1998 से लेकर 2018 तक हुए विधानसभा चुनावों में इस सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। अब अगर बात करें बीजेपी के प्रत्याशी जयराम जाटव की, तो जाटव उस समय सुर्खियों में आए थे जब इन्होंने अपने घर में ही अपनी बेटी की आलोचना झेली थी। मसला इतना बढ़ गया था कि बीजेपी पार्टी के सीनियर नेताओं को इस झगड़े में बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा था। हाल ही में जयराम जाटव ने टीकाराम जूली के ऊपर जो बयान दिया था उस पर भी काफी हल्ला मचा था। अलवर ग्रामीण सीट की बात की जाए तो टीकाराम जूली और जयराम जाटव के बीच मुकाबला 1-1 से बराबरी पर है। 2013 में जयराम जाटव ने टीकाराम को पटकनी दी थी, तो वहीं 2018 के चुनाव में टीकाराम जूली ने 2013 की हार का बदला लिया था। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टीकाराम जूली को चौथी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले टीकाराम जूली 2008 तथा 2018 के विधानसभा के चुनाव में जीतकर विधायक बन चुके हैं, जिसके चलते ही कांग्रेस पार्टी ने टीकाराम जूली पर एक बार पुनः अपना विश्वास और भरोसा जताया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पर जूली की बहुत ही मजबूत पकड़ है, क्योंकि यहां पर एससी का मतदाता निर्णायक है और ये सीट एससी के लिए वर्तमान समय में रिजर्व सीट है। अलवर ग्रामीण सीट की अगर बात की जाए तो यहां एससी का वोटर हमेशा जीत हार में अपनी बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आया है। ऐसे में एक बार फिर से एससी वोटर्स को साधने के साथ ही अन्य पार्टियों को अपने पक्ष में करना दोनों ही प्रत्याशियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। द नगरी न्यूज में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस सीट की जिस पर पूरे राजस्थान की नजरें टिकी हुई है। नमस्कार।